करो जरा, इसका अगर डेरिवेटिव लें नीचे वाले फंक्शन का, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ए एक्स प्लस बी, नीचे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें ना साइड पे, ये देखो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, टू ए एक्स बन जाएगा ना, और एक्स का मान तो क्या आएगा, टू बी आएगा। अगर हम देखें कि ऊपर ए एक्स भी है और बी भी है, टू की कमी है, नीचे वाले सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो लॉग में लिखते हैं, पता है ना, तो ऊपर सिर्फ टू की कमी है, आप वन बाई टू बाहर भी लिखें, यानी टू के साथ डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, टू ए एक्स प्लस टू बी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टू, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, असल समझ आ रही बेटा, मैं कर सकता हूँ यू अदील। अब ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो नीचे वाले पूरे फंक्शन को मैं किसमें लिख सकता हूँ, लॉग में लिख सकता हूँ, कुछ समझ रही बात की, सो दिस इज योर आंसर, एनी प्रॉब्लम, नो। चले अब हम करेंगे ये वाला पहले करेंगे, ठीक है, 14 वाला वो बाद में करते, टेन स्क्वायर एक्स, मैंने आपको बोला था टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको पता है टेन किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर, बताइए, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, तो टेन की जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बताइए, सीकेंट स्क्वायर माइनस वन लिख सकता हूँ ना, तो इंटीग्रेशन सीकेंट के साथ अलग से अप्लाई कर देता हूँ और वन के साथ अलग से कर देता हूँ, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बताइए जरा, टेन एक्स, टेन एक्स ना पीछे मैंने किया हुआ, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी जरा बताइए जरा, इधर 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 सीक्वेंस की कंडीशन क्या होती है, टेन एक्स, और एक्स का दोबारा करेंगे वन आता है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीचे लिखने की जरूरत, तो बात की, अच्छा वन की कंडीशन क्या होगी, एक्स प्लस सी, क्लियर। अब आ जाए 13 वाले, ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस वन पहले लिखें, प्लस कोल टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कोल टू एक्स और डी एक्स। अच्छा यहाँ से माइनस आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है, जब माइनस कॉमन लोगे अंदर कराया जाएगा, वन माइनस कोल टू एक्स रह जाएगा नीचे, वन प्लस कोल टू एक्स, समझ रही बात, अच्छा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 1 माइनस कोस 2 एक्स किसके इक्वल होता है, देखें 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 एक्स, और 2 कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कोस 2 एक्स, ये फॉर्मूले हैं, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स, समझ आ रही बात, 2 2 से कैंसिल। अब आपको पता है साइन और कॉस किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, टेन की इंटीजर पॉसिबल नहीं है, आपके पास ये वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया, सॉरी 15 वाला क्वेश्चन, ये बात, टेन स्क्वायर की इंटीजर पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, पता है ना इसको यू कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेशन का साइन सीकेंट स्क्वायर के साथ भी अप्लाई कर दो और वन के साथ भी कर दो, अब इसके साथ क्या माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ रही बात, सीकेंट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, टेन एक्स वन की क्या होती है, एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। अब ये आ गया ए प्लस बी और एक्स, देखो ये वाला जो है ना ये साइन, ये सारे का सारा साइन का क्या है, एंगल है, जैसे साइन एक्स होता है ना, इसी तरह ये ए प्लस बी एक्स जो है वो एंगल में आ रहा है सारे का सारा, ठीक है, तो मुझे बताएं कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको क्या बताई थी, माइनस कोज एक्स क्या होगी, माइनस कोज एक्स, ये सारा वैसे ही आपको पता है, एंगल का दोबारा हमने क्या करना होता है, डेरिवेटिव, तो एक्स का हो जाएगा वन, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो वन को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी आएगा, वो साथ लिखने की बजाय कहाँ लिखना है, हमने नीचे लिखना है, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा और प्लस सी, दिस इज योर आंसर,
एंटी श्रोमी, एंटी श्रोमी, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं की तरफ, सैमन वाला क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक ट्रिक यूज करनी है सैमन वाले क्वेश्चन में, 1 - 4 2x, और ये देखो क्या तवज्जो करें जरा, 1 - cos 2x की जगह देखिए हमने स्केयर रूट कैंसिल करना है, कैसे करेंगे? अच्छा 1 - आपके पास ये है ना 2 sin² x 1 - cos 2x, समझ रही बात? Yes, sir. यानी 1 - cos 2x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसके अंदर 2 sin² x 2 sin² x, आई समझ के नहीं आया? Yes, स्केयर रूट का साइन 2 के ऊपर अलग कर दो और साइन स्केयर के ऊपर अलग कर दो, ये कांस्टेंट है तो इसको निकाल लो बाहर, ठीक। yes, ये इससे कैंसिल हो गया, खाली क्या रह गया, साइन रह गया। अब देखें एक ऐसा फंक्शन बन गया जिसकी इंटीग्रेशन क्या है, पॉसिबल है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बताइए जरा, -cos x अभी की हम एंगल का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, वन वन नीचे, तो साथ लिखने की बजाय कहाँ लिख रहे हैं आपने, नीचे प्लस सी, तो ये प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 cos x प्लस c, दिस इज योर आंसर, क्लियर? हाँ वो पीछे वाला हो गया, अब दूसरे जी। अब आप कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे देखें, वेरी सिंपल, अब जरा गौर से देखें जरा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन का एक रूल पढ़ा था ना आपने, अगर डेरिवेटिव साथ पड़ा हो पावर में ऐड हुई नीचे, तो इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में क्या करेंगे, इसकी पावर क्या, 1 एक ऐड करेंगे 2 वही नीचे लिख देंगे प्लस सी, ध्यान ठीक है। अब देखिए 9 वाला क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, अभी जो चीजें मैंने आपको समझाई उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जब पॉसिबल नहीं है तो फिर हमने क्या करना था, याद है क्या करना था, 2 sin² x किसके इक्वल होगा, 1 - cos 2x, ये साइन स्क्वायर है 2 नहीं है, 2 इधर डिवाइड कर दो, याद है मैंने ये भी उधर डिवाइड किया हुआ था, 1 - cos 2x इधर आ गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे आप बताएं, 1 - cos 2x / 2, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगाओ, यस सर, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यस सर, ऊपर से 1 कॉमन नीचे से 2 कॉमन, ठीक है, यस सर। इंटीग्रेशन 1 के साथ अलग से अप्लाई कर दो, यस सर, फिर लिखोगे माइनस और कोस के साथ इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई कर दो, यस सर, क्लियर, यस सर। 1/2 ऐसी 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स होगी माइनस, कोस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन टू एक्स, क्या आएगी साइन टू एक्स, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे एक्स का 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 वो नीचे लिखेंगे, क्लियर, और प्लस सी 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स 2 हो जाएगा, तो माइनस साइन टू एक्स, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई अगर 4 बन जाएगा प्लस सी, दिस इज योर आंसर। सो अब है हमारा मुश्किल सा क्वेश्चन, और वो कौन सा है, 10 वाला, मुश्किल है ना मैथ, अच्छा इसको आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, मसलन अब ये क्या है 1 + cos है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या लिखेंगे, 1 - cos x 1 - cos x, तो समझ रही बात, यस सर। अच्छा 1 - cos x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 - cos x। अच्छा ये एक a + b * a - b है, क्या लिखेंगे, a² - b², तो a² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये आ गया b², तो समझ रही बात, यस सर, ये नहीं आई, आ गई। आपको पता है 1 - cos² को हम क्या लिख सकते हैं, साइंस के लिख सकते हैं ना, 10 क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1/sin² और कोस के नीचे भी क्या लिखेंगे, साइंस के, अलग अलग कर दिया, क्लियर। यू नो 1/sin² किसके इक्वल होता है, cosec² के,
अब आपको पता होना चाहिए कि cos square की इंटीग्रेशन पॉसिबल है, मैंने पीछे लिखा हुआ है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आप, ये देखो cos square की इंटीग्रेशन पॉसिबल है माइनस कोट एक्स, बताई हुई आपको मैंने। अच्छा अब आ जाएगा माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos x और नीचे लिख सकता हूँ sin x, एक साइन है उसके नीचे और एक वन के नीचे अलग कर सकता हूँ साइन, दो साइन है एक कॉस के नीचे एक वन के नीचे आ गया, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करने लगा हूँ कॉस स्क्वायर के साथ कर दी माइनस, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, कोस ओवर साइन क्या आता है कोट एक्स, वन ओवर साइन क्या आता है कॉसिक एक्स और डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। ये देखो बताया था मैंने आपको, ये देखिएगा ये रहा ये कॉसिक मल्टीप्लाई कोड या कोड मल्टीप्लाई कॉसिक माइनस कॉसिक एक्स, दोनों भी पॉसिबल है, कॉसिक स्क्वायर की कंडीशन क्या होगी माइनस कोट एक्स, एक्स का दोबारा करेंगे वन, साथ लिखने के नीचे अच्छा, फिर माइनस कोट मल्टीप्लाई कॉसिक की क्या होगी माइनस कॉसिक एक्स, दोबारा करेंगे वन प्लस माइनस कोट एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस cosec x plus c, this is your answer।